इस वीडियो में मैं हुंडई एक्सटर को कंपेयर करूंगा मारुति की हॉट सेलिंग हैचबैक स्विफ्ट के साथ। तो चलिए शुरू करें आज के इस वीडियो को। स्विफ्ट की प्राइसिंग शुरू होती है 5.99 लाख रुपए से और चली जाती है 9.03 लाख रुपए तक, जबकि एक्सटर की शुरुआती कीमत रहेगी 6 लाख रुपए से लेकर लगभग 6.5 लाख रुपए के बीच, और इसकी जो टॉप मॉडल होगी वो लगभग 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सटर और स्विफ्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो लगभग एक ही पावर आपको जेनरेट करके देती है और एक जैसा ही ट्रांसमिशन सेटअप आपको मिल जाता है। एक्सटर में आपको 82 बीएचपी के साथ 114 एनएम टॉर्क मिल जाएगा। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ एएमटी गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा, जबकि स्विफ्ट का इंजन 89 बीएचपी के साथ 113 एनएम टॉर्क पैदा करके आपको दे देगा, और 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको एएमटी गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सटर में ये इंजन आपको जेनरेट करके देती है 68 बीएचपी के साथ 95 एनएम टॉर्क, और ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। जबकि स्विफ्ट में भी सीएनजी ऑप्शन में ये इंजन आपको जेनरेट करके देती है 76 बीएचपी के साथ 99 एनएम टॉर्क, और ये गाड़ी भी आपको 5 स्पीड मैनुअल में मिल जाएगी। तो इंजन डिपार्टमेंट में आप लोग देख ही सकते हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पेट्रोल में आपको मैनुअल के साथ एएमटी गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो काफ़ी रिलायबल, साइलेंट और स्मूथ परफॉर्मेंस देती है, और दोनों ही गाड़ियों में आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो कंपनी ने फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन अगर स्विफ्ट की लेंथ की बात करें तो स्विफ्ट की लेंथ 3.8 मीटर से कुछ ज़्यादा ही है। एग्जैक्ट फिगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसी लेंथ के आसपास एक्सटर का भी लेंथ होगी, 3.8 मीटर से लेकर 3.9 मीटर के बीच। मतलब स्विफ्ट जितना ही केबिन पेस आपको एक्सटर में भी देखने में मिल सकती है। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो एक्सटर में आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर रिसीवेंट, 8-inch टच स्क्रीन विथ एंड्रॉयड एंड एप्पल कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, कोल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर। जबकि स्विफ्ट में आपको मिल जाएगा एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 7-inch टच स्क्रीन विथ 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर सेटअप, एंड्रॉयड एंड एप्पल कनेक्टिविटी, फॉग लैम्प्स जैसे फीचर। सेफ्टी फीचर की बात करें तो एक्सटर में आपको मिल जाएगा 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और पार्किंग कैमरा जैसे फीचर। जबकि स्विफ्ट में आपको मिल जाएगा ड्यूल एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर जैसे फीचर। तो सेफ्टी फीचर में भी आप देख सकते हो, हुंडई एक्सटर में आपको सेफ्टी फीचर थोड़े ज़्यादा ही मिल जाता है स्विफ्ट के मुकाबले। अब कॉन्क्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, हुंडई एक्सटर अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है। जून मंथ में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, उसके बाद ही हम लोगों को पता चल पाएगा ये गाड़ी किस प्राइस रेंज में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, क्योंकि सिर्फ यही प्राइस सेगमेंट ही है जिसके वजह से ये गाड़ी हिट हो सकती है या फिर फ्लॉप हो सकती है। अगर प्राइस स्विफ्ट के आसपास ही रहती है तो नो डाउट स्विफ्ट को कड़ी टक्कर ये गाड़ी देने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी स्विफ्ट के मुकाबले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।